ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन योग प्रचारक पतंजलि योग पीठ हरिद्वार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की आराधना करने का, पूजा करने का, ऐसे पवित्र और पावन दिवस पर विश्वकर्मा पूजा यानी 17 सितंबर 2016 के पवित्र दिवस के दिन आज हम सभी बिहार प्रांत के भोजपुर जिला के सहार प्रखंड के धनचुहा गांव में 5 दिवसीय योग शिविर के 5वें दिन के विराट सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम के, जो 5 दिनों से लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय बद्रीनाथ शर्मा जी को मैं एक बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि जिन्होंने भगीरथ प्रयास करके और इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को अपने गांव में लाने का बहुत बड़ा काम किया। उनके लिए एक बार हम लोग करतल ध्वनियों से स्वागत करते हैं। आइए हम सब 3 बार ओम का उच्चारण करने के उपरांत हम प्राणायाम का आनंद लेंगे। तो आइए ध्यान मुद्रा में आते हैं। आंखें बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा। हम सभी अनुलोम विलोम के माध्यम से आज के इस पवित्र प्राणायाम सत्र का शुभारंभ करेंगे। हमने तो ब्रह्म वेला से ही ब्रह्म मुद्रा में और सुबह से ही बहुत विराटता के साथ हम सभी योग प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के योगिक क्रियाओं से लेकर के अलग अलग क्रियाओं को अपने जीवन में उतारने का अभ्यास किया। तो आइए अब सब हम लोग अनुलोम विलोम के माध्यम से अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो आंख बंद कर लीजिए, आप सभी एक विशेष आसन में बैठ करके जिसको जैसी अनुकूलता हो आप सुखासन में, सिद्धासन में या पद्मासन में। तो हम सब अभी सिद्धासन में बैठे, किस आसन में बैठे हैं, सिद्धासन में बैठ करके दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और ये ध्यान मुद्रा लगाते हैं। अब बाएं हथेली का ध्यान मुद्रा लगा करके बाएं हथेली को बाएं घुटने पर रख लिया। अब दाहिने हथेली को हल्का ऊपर उठा करके तर्जनी को मोड़ लेते हैं। अब दाहिना अंगूठा को दाहिने नासिका पे रखते हैं। दाहिना अंगूठा कहाँ रहेगा, दाहिने नाक पे रहेगा। शरीर हमारा सीधा रहेगा कि झुका हुआ रहेगा, सीधा रहेगा। अब जब दाहिना अंगूठा दाहिने नाक पे रख लेंगे तो बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरेंगे, धीरे धीरे 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस भरना है। आप सभी आंख बंद कर लीजिए। अब धीरे धीरे सांस जब भर जाए तो मध्यमा अनामिका अंगुली से बाएं नासिका को बंद करके और दाहिना अंगूठा हटाकर दाएं नाक से धीरे धीरे प्राणवायु को बाहर करते हैं। जब सांस निकल जाए 5 सेकंड में तो धीरे धीरे दाहिने नासिका से पुनः सांस को भरेंगे, फिर दाहिना नासिका बंद करके बाएं नाक से सांस को छोड़ेंगे। यानी जिस नाक से सांस को छोड़ेंगे
उसी नाक से दोबारा सांस भर लेना है। यानी एक बार फिर से समझाते हैं, दाहिने अंगूठे को दाहिना नाक पर, बाएं नासिका से धीरे धीरे प्राणवायु भरेंगे और माया बंद करके दाहिना से छोड़ेंगे और दाहिना से लेकर के पुनः बाएं से छोड़ेंगे। तो आइए इसका अब हम मिलकर के एक साथ अभ्यास करते हैं और बीच बीच में मैं इसके लाभ के बारे में भी चर्चा करता रहूंगा। करिए, जब नियमित अभ्यास करेंगे 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक, तो आपको साइनस की बीमारी हो, आपको माथा दर्द की बीमारी हो, माइग्रेन की बीमारी हो, अधकपारी हो, अनिद्रा की बीमारी हो, तनाव की बीमारी हो, रात दिन लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, नकारात्मक विचारों पर बार बार ध्यान टिका हुआ रहता है, और यदि आपके अंदर नस नाड़ियों में किसी प्रकार का अवरुद्ध हो, आपके शरीर के रक्त में किसी प्रकार का कोई अशुद्धि हो, तो यानी नाड़ी शोधन की क्रिया भी कहते हैं इसको, 72,72,10,210 नस नाड़ियों से बना शरीर अनुलोम विलोम की क्रियाओं को करते हुए धीरे धीरे वह परिशुद्ध हो जाता है। लंबा गहरा सांस भरिए। जब आप सांस भरेंगे तो आपका ध्यान ओम शब्द पर, जब सांसों को छोड़ेंगे उस समय भी आपका ध्यान ओम शब्द पर, आप किसी भी प्रकार के मोह माया आसक्तियों से आप मुक्त होकर के इस अभ्यास का जीवन में सकारात्मक आनंद ले सकते हैं। ऐसा अभ्यास करने से कभी किसी को कैंसर नहीं होगा, ऐसा अभ्यास करने से कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसा अभ्यास करने से किसी को ब्रेन हेमरेज, किसी को हार्ट अटैक या किसी को लकवा नहीं लग सकता है। इतना जबरदस्त अभ्यास है, बस जरूरत है आपको 15 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम का अभ्यास करने का। आप अब हम लोग लाभ के बारे में चर्चा किए, हम इसकी विधियों के बारे में बताया, आपका ध्यान कंसंट्रेट हो, एकाग्र हो और निरंतरता के साथ जब इस अभ्यास को आगे करेंगे तो हमारा लाभ स्वतः आपको महसूस होने लगेगा। तो आइए मिलकर के अभ्यास करते हैं। मन ही मन आप ओम ओम का मानसिक जप कर सकते हैं, मन ही मन गायत्री मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्स्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षियमामृतात्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। लंबा गहरा सांस। आज हम सभी विश्वकर्मा पूजा के पावन पवित्र दिवस पर एक संकल्प लेंगे कि हे भगवान, हे प्राण शक्ति, मेरे जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई नकारात्मक विचार हमें ना घेरे और मेरा जीवन काम क्रोध मदमोह लोभ अहंकार के ऊपर उठता हुआ प्रेम करुणा दया सेवा परोपकार जैसे अमृत से भरता हुआ या जीवन की भरा एक दूसरे को प्यास बुझा सके, ऐसे दिव्य सोच के साथ पूरी तल्लीनता और पूरी एकाग्रता के साथ पवित्रता के साथ इस अभ्यास को आप अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेंगे। बस 15 मिनट अभ्यास करने की आवश्यकता है, 5 मिनट 8 मिनट 10 मिनट 12 14 15 मिनट का धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। समझिए कि आप धीरे धीरे आप कदम बढ़ा चुके हैं, भगवान सभी आपको आपके परिवार आपके घर और आपके गांव में किसी प्रकार का कोई रोग न उत्पन्न करे, पूरा गांव पूरा परिवार आपका निरोगी रहे और हम सब निरोगी काया को प्राप्त करते हुए सुखद जीवन की आनंद के अनुभूतियों को प्राप्त कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस। आप बाएं नासिका से दाएं नासिका से जब बार बार श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को जारी रखते हैं तो हमारा इरा और पिंगला यानी चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के संतुलित होने से हमारे मेरुदंड में अवस्थित सुषुम्ना नाड़ी धीरे धीरे जागृत होने लगती है, तो अष्ट चक्रों का भी जागरण होता है और अष्ट चक्रों का जागरण धीरे धीरे प्रारंभ होगा तो आपके वाणी में वोल्टेज, आपके कर्मों में दिव्यता, आपके सोच में, आपके खान पान में दिव्यता आने लगती है, आपके व्यवहार आपके जीवन की क्रियाकलापों में परिवर्तन हो जाता है। तो समझिए कि हमारे और आपके ऊपर योग का प्रभाव, अनुलोम विलोम का प्रभाव
जमने लगा। बोलिए भारत माता की जय, माता की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय, विश्वकर्मा देवता की जय। ओम हर हर महादेव शिव शंभो। अभी हमने बहुत दिव्यता के साथ, पवित्रता के साथ प्राणायाम के इस विराट अभ्यास को, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, उसका हमने अभ्यास किया और दिव्य संकल्प